दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दो दिन के अंदर लगातार बारिश के कारण तीन हादसे हो चुके हैं, जिसमें साहिबाबाद थाना क्षेत्र के विक्रम एनक्लेव में एक घर का लेंटर गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकाला गया। ये जानकारी है कि एक महिला की डेथ भी हो गई है। ये थाना साहिबाबाद में शालीमार गार्डन पड़ता है, वहाँ पे एक मकान है, तीन मंजिला मकान है। एक व्यक्ति है जहीर करके, जिनका ये मकान था, वो कबाड़ी का काम करते हैं। वो अपने घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे तीसरी मंजिल पर। उसी के दौरान जो ऊपरी मंजिल है वो टूट कर गिर गई और नीचे उनकी पत्नी थी और एक बेटी थी जो चोटिल हुई। अभी जो जानकारी मिली है कि उनकी पत्नी को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया है। जीडीए को इस संबंध में सूचना दे दी गई है, उनके इंजीनियर्स भी आ रहे हैं यहाँ मौके पे, जांच करेंगे। क्या कमी रही है इस बारे में जीडीए से रिपोर्ट विस्तृत मांगी जाएगी। अभी यहाँ मौके पे स्थानीय लोगों की मदद से जो एंट्री है उसको बंद करा दी गई है ताकि अन्य कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मौके पे अभी शांति व्यवस्था। बता दें गाजियाबाद में बीते दो दिन से तीन हादसे हो चुके हैं। तीनों हादसे बारिश और घटिया मटेरियल के निर्माण की वजह से बताए जा रहे हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।